हाल ही में मलेशिया में आयोजित एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपने गांव लौटे अभिमन्यु पटियाल का उसी के स्कूल में जहां उसने दसवीं पास की थी सत्य साई विद्यावाहिनी आदर्श पब्लिक स्कूल जसूर में प्रार्थना सभा में उन्हें स्मृति चिन्ह व साईं बाबा की फोटो देखकर सम्मानित किया गया। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए अभिमन्यु पटियाल ने कहा कि वे एक निर्धन परिवार से संबंध रखते थे और उसके परिवार में उसके माता पिता व एक बड़ी बहन है। अभिमन्यु ने बताया कि उसके पिता बाल सिंह किसी की गाड़ी चलाते हैं और माता मीना कुमारी एक छोटी सी दुकान करती हैं। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। उन्होंने बताया कि उनकी माता ने कर्ज लेकर उन्हें एशियाई खेलों के लिए भेजा। अभिमन्यु ने बताया कि उसने पहले राज्य स्तरीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता, फिर हरियाणा में सिल्वर मेडल जीता और अभी हाल ही में मलेशिया में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपने गांव, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। आमदनी बहुत कम है सर, मेरी मम्मा की छोटी सी दुकान है और मेरे पापा टैक्सी ड्राइवर हैं। हमारा सर घर का खर्चा बहुत मुश्किल से निकलता है और सर मेरी मम्मा ने लोन उठाकर मुझे बहुत दूर तक पहुँचाया है। पहले मैंने सर स्टेट तक खेला है, फिर उसके बाद मेरे से सर स्टेट की सिलेक्शन हुई, फिर मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है सर तमिलनाडु, और सर फिर मेरे भारतीय खेल विकास बोर्ड की नज़र पड़ी मेरे ऊपर सर, फिर उन्होंने मेरी सिलेक्शन की इंटरनेशनल के लिए। सर मुझे मौका मिला सर, मैंने आगे भी देश का नाम रोशन किया सर, फिर मैंने गोल्ड मेडल लेकर देश का नाम रोशन किया सर। स्कूल के प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने बताया कि अभिमन्यु पटियाल स्कूल का एक होनहार छात्र है और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिता में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता है। इस बच्चे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर स्कूल के साथ साथ प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस बच्चे की आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित करें ताकि ये बच्चा भविष्य में देश का नाम रोशन कर सके। हमारे स्कूल के लिए श्री सत्य साई विद्यावाहिनी आदर्श पाठ्यपल स्कूल जसूर के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि इस बच्चे ने एशिया में जो कुश्ती प्रतियोगिता मलेशिया में करवाई गई है उसमें इसने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके लिए इस स्कूल को इस बच्चे के ऊपर गर्व है, इस प्रदेश को इस बच्चे के ऊपर गर्व है, इस देश को इस बच्चे के ऊपर गर्व है, क्योंकि इस बच्चे ने स्कूल का, माता पिता का, प्रदेश का और देश का नाम ऊंचा किया है। मैं इस बच्चे को, इसके माता पिता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि ये आगे जिंदगी में आगे बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे और स्कूल जो है वो हमेशा इसके साथ है। इस बच्चे की शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ जो खेलों में बहुत रुचि रही है, स्कूल में भी ये बहुत अच्छा खेलता रहा है और इसको स्कूल से भी प्रोत्साहित किया गया कि बेटा जिंदगी में आगे बढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। लेकिन अब समस्या कुछ ये है कि इस बच्चे की जो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है ताकि ये बच्चा जो है वो आगे प्रदेश में जो है वो आगे देश का नाम जो है वो रोशन कर सके, ओलंपिक्स में जा सके। इस बच्चे का आज सुबह मैंने जब इससे बात की तो मेरे को पता चला कि ये बोलता है कि मैं अभी ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो ओलंपिक के लिए जाना इस बच्चे के लिए जो वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं प्रदेश सरकार से ये चाहता हूँ, इसकी माता जो है वो बहुत मेहनत करती है इस बच्चे के लिए, उनकी एक छोटी सी शॉप है और बड़ी मुश्किल से अपने, इसके पिता जो है एक टैक्सी ड्राइवर चला रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जो दोनों पति पत्नी जो है वो अपने बच्चों का जो है गुजारा करते हैं। तो मैं प्रदेश सरकार से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये एक अनुरोध करूँगा कि इनकी ऐसे जो बच्चे हैं जो खेलों में जब पढ़ाई में आगे रहते हैं, इन बच्चों को अगर आप सहायता करें तो ये बच्चे जो है वो हमारे प्रदेश, हमारे देश का नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये अनुरोध करूंगा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आप इन बच्चों को उठाएंगे तो ये बच्चे जो है वो हमारे देश और प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो ऊंचा कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन मैं इस टीवी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी आपने गरीबी को देखा है, आपने छोटे स्तर को देखा है, तो आप जो है वो इन बच्चों की अगर मदद करें तो बहुत अच्छा होगा।
वहीं अभिमन्यु की माता मीना कुमारी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उसके बेटे ने एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लेकर माता पिता देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। मीना कुमारी अभिमन्यु की इस उपलब्धि पर आंसू भी रोक नहीं पाई। उन्होंने कहा कि वे स्थिति में नहीं थी कि वे अपने बेटे को मलेशिया भेज सके, लेकिन अभिमन्यु की कुछ कर गुजरने की जिद ने उन्हें झुका दिया और आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद उन्होंने कर्ज लेकर उसको भेजा। उन्होंने बच्चे की उपलब्धि पर खुशी भी जाहिर की। अभिमन्यु मेरा बेटा है जी, नेशनल जीत के आया हुआ है। पहले जो स्टेट में गया था उसके बाद ये नेशनल में जीत के आया, वहां से गोल्ड मेडल लेके आया है। उसके बाद ये इंटरनेशनल के लिए गया हुआ है, वहां से भी अच्छा फर्स्ट आया हुआ है, गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है। पर मैं इसको भेज नहीं रही थी, इसने मुझे बहुत परेशान किया कि मम्मा मैंने जाना ही जाना है। मैंने बोला बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरे को भेज पाऊं। इसने एक हफ्ते से मेरे को बोला, दो दिन से इसने खाने नहीं खाया। मैंने इसको देखा, मैंने बोला बेटा चुप हो जा, मैं कहीं से तेरे को लेके आती हूँ। मैंने इसके लिए फिर लोन लिया, फिर इसको मैंने भेजा। मैंने बोला बेटा चलो जीत के आई हो, ये दश पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ है, मैट्रिक बन की है इसने, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत ही अच्छे हैं कि मैं कभी फीस नहीं दे पाती थी। सर ने अपने जेब में से इसकी फीस भरी और आज यही बच्चा अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, सभी अध्यापकों का नाम रोशन किया है जिन, और इसके पापा ड्राइवर हैं, किसी के आगे नौकरी करते हैं, इतनी इनकी सैलरी नहीं है। और मैं एक छोटी सी दुकान करती हूँ, उससे ही हमारे घर का खर्चा निकलता है, और इतना ज्यादा नहीं है जिससे मैं अपने घर का खर्चा चला सकूँ। मेरी उम्मीद है सरकार से कि इस बच्चे की आवाज सुनी जाए। ये बहुत ही गरीब घर का बेटा है, इसके आगे चलने के लिए सरकार सुने। वहीं गांववासी अनीता का कहना है कि अभिमन्यु पटियाल जो उनके गांव का है, उसने देश में और प्रदेश में गांव का नाम रोशन किया है। इस बच्चे ने एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ना सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि गांव का नाम भी रोशन किया है। गांव का बेटा अभिमन्यु पटियाल, जिसने हमारे गाँव का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस बच्चे ने एशियन ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है कुश्ती में, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए बहुत फख्र की बात है। आज हमारे गांव का छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बूढ़ा आदमी बच्चा सब इसकी प्रशंसा कर रहा है, जिसके लिए हम आज बहुत खुश हैं। इस बच्चे को आगे जाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये बच्चा जब एशियन ओलंपिक में जाना चाहता था तो इसके घर वालों ने इसको साफ मना कर दिया कि ये नहीं जा सकता, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इसके घर वाले इसको वहाँ भेज पाते। परंतु इसके दृढ़ हौसले ने, इसकी जिद ने, बच्चे के आगे जाने की जिद ने, बच्चे ने दो दिन तक खाना नहीं खाया, भूखे पेट रहा, और उसकी मम्मी को इसके आगे हार माननी पड़ी। और इस मम्मी ने जैसे तैसे करके कर्जा लेके इस बच्चे को वहां भेजा, और वहां जाकर इसने अपनी माँ का नाम रोशन, अपने पापा का नाम रोशन किया। इसकी मम्मा ने इस बात के लिए अपने परिवार में कर्जा लिया था। इसके घर में इसके पापा एक चालक हैं और इसकी मम्मा एक दुकान पे काम करते हैं। आज इस बच्चे ने स्वर्ण पदक से तो हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है, परंतु मैं और हमारे देश के, सॉरी हमारे गांव के सभी लोग ये चाहते हैं कि ये बच्चा आगे भी जाए। परंतु आगे जाने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत होती है, परंतु इनके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि ये आगे जा सके। तो मैं अपने प्रदेश की सरकार से और अपने देश की सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि वह आगे आकर के इस बच्चे को आर्थिक स्थिति से इसकी मदद करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे नेता हैं, जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक छोटे से मतलब गरीब परिवार से संबंध रखते थे, और आज के टाइम पे उन्होंने काफी ऊंचाई हासिल कर ली है। तो क्या पता ये छोटा सा बच्चा, अगर सरकार की तरफ से इसकी कोई मदद हो तो ये भी बच्चा आगे जाके देश का, प्रदेश का और नाम रोशन कर सके। Students, teachers, and parents, and Himachal, and also our country, Bharat, because he has won gold medal in Asian
55 केजी रेसलिंग विनर इन एशिया. ओके, सो दिस इज ग्रेट ऑनर फॉर यू, फॉर मी, फॉर ऑल योर टीचर्स. आदर्श भारती पब्लिक स्कूल जसूर से बोल रही हूँ. बड़े गौरव की बात है कि हमारे स्कूल का बच्चा अभिमन्यु पटियाल मलेशिया में आयोजित एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम आया है. इसलिए हमारे देश का और प्रदेश का नाम जो है वो रोशन किया है. बड़े ही गौरव की बात है ये हमारे लिए. इस बच्चे का शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा ध्यान था और पढ़ाई के साथ साथ इसकी खेलों में भी बहुत रुचि थी. और अभिभावकों और अध्यापकों के आशीर्वाद से अपने इसी शौक को पूरा करते हुए ये बच्चा जो है वो जिला स्तर पर राज्य स्तर पर इसने बहुत से पदक हासिल किए हैं. लेकिन इस बच्चे की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है. और मेरा अपने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि विनम्र प्रार्थना है कि वो इस बच्चे की आर्थिक मदद करें ताकि ये बच्चा आगे जो है वो अपनी मंजिल को पा सके और इसका जो शौक है वो पूरा हो सके और ये फिर से अपने देश और प्रदेश का नाम जो है वो इसी तरह से रोशन जो है कर सके. और मेरे भगवान से भी ये प्रार्थना है कि वो इस बच्चे को वो दे जो ये चाहता है, इसकी इच्छा पूरी करे और ये अपनी मंजिल को प्राप्त करे.